नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए गृह प्रबंध में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो आपके क्वेश्चन इसमें से आ चुके हैं, ये मैं आपको डिस्कस करूंगी, और जो क्वेश्चन आपके आए हैं इससे संबंधित, वो क्वेश्चन भी आपसे मैं डिस्कस करूंगी। तो चलिए देखते हैं। हमारा है लाइट अरेंजमेंट, जिसको बोलते हैं प्रकाश व्यवस्था। ये हमारे गृह प्रबंध से संबंधित चैप्टर है। अब देखते हैं लाइट अरेंजमेंट। सबसे पहले देखते हैं लाइट या प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश क्या है? अदृश्य पदार्थ है, यानी ये स्वयं ही क्या है? इनविजिबल है। जब किसी चीज पर ये पड़ता है तब वो चीज हमें दिखाई पड़ती है, एक प्रकाश के रूप में, एक लाइट के रूप में, तो हमें कोई वस्तु को हम देख पाते हैं। तो क्या है प्रकाश? एक इनविजिबल पदार्थ है। उसे हम किसी वस्तु पर जब पड़ते हैं उसके प्रतिबिंब से ही हम देख सकते हैं कि यह प्रकाश है। तो कह सकते हैं क्या है, प्रकाश एक साधन है और यह एक रेडिएंट एनर्जी है जिसके द्वारा किसी वस्तु को आसानी से देखा जा सकता है। तो यह आपका लाइट हुआ। अब आते हैं कि देखने की क्रिया को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, यानी हमें देखने के लिए हमें कौन कौन से तत्व हमें प्रभावित करते हैं किसी भी चीज को देखने के लिए। देखिए, पहला है प्रकाश की तीव्रता, यानी वो चीज कितना तीव्र, यानी प्रकाश या रोशनी जो है कितनी तीव्र है, ये प्रभाव डालता है किसी भी वस्तु पर। अब देखिए, जो प्रकाश होता है वो दो होते हैं, कौन कौन से? एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक का मतलब जो हमें नेचुरल सूर्य की रोशनी या चंद्रमा की रोशनी से हमें जो प्राप्त होता है प्रकाश, वो हमारी क्या होती है? नेचुरल होता है। और इसकी जो नेचुरल जो रोशनी होती है वो कृत्रिम से कई गुना, हजार वो तीव्र होता है उसकी रोशनी, किसकी? नेचुरल लाइट की। और कृत्रिम लाइट होती है ये हमारी, जब नेचुरल लाइट नहीं होती है तो हम कृत्रिम लाइट का उपयोग करके कार्य को पूरा करते हैं। देखिए, जो आपका एक क्वेश्चन आता है फूड कैंडल मीटर, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में। फूड कैंडल मीटर क्या होता है? ये हम लाइट को निरीक्षण करने के लिए या लाइट का मापन करने के लिए, कितना तीव्र लाइट है इसका मापन करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? फूड कैंडल मीटर। क्या? फूड कैंडल मीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रकाश की मात्रा, यानी हमारी जो प्रकाश है वो कितनी मात्रा में प्रकाश दिया जा रहा है, ये तीन बातों पर निर्भर करती है। पहला उत्पादित, यानी कितना उसका उत्पादन, मतलब कितना प्रकाश दिया जा रहा है, कितना उत्पादन किया जा रहा है, किस माध्यम से उसको भेजा जा रहा है। तीसरा परावर्तित हो रहा है, यानी जहां पर उसकी प्रकाश पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है। इन तीनों से जो है हमारा प्रकाश की मात्रा निर्धारित होती है। नेक्स्ट आते हैं विरोधी प्रभाव। विरोधी प्रभाव यानी जिसको बोलते हैं कंट्रास्ट इफेक्ट। देखिए, कोई चीज जब कंट्रास्ट होती है वो देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। जैसे रेड, आपका रेड के साथ व्हाइट का कॉम्बिनेशन, ब्लैक के साथ व्हाइट का कॉम्बिनेशन, तो ये हमारी कॉम्बिनेशन एक अच्छे कॉम्बिनेशन होते हैं जिससे दोनों चीजों में एक प्रकाश का भाव उत्पन्न होता है। जैसे अब आप पेंसिल से कोई चीज लिखी हुई होती है और पेन से लिखी हुई चीजें होती है, दोनों में जो दिखाई पड़ती है उसमें सबसे ज्यादा में जो पेन से लिखी चीज होती है वो अधिक ज्यादा स्पष्ट होती है, जबकि जो पेंसिल से लिखी होती है वो स्पष्ट नहीं होती है। तो कहने का मतलब जो कंट्रास्ट दिया जाए वो ऐसा हो जो प्रकाश उस पर जो पड़े वो अस्पष्ट दिखाई पड़े। नेक्स्ट, आकार, समय और दूरी, यानी कोई चीज छोटे में लिखा होगा तो उसको देखने के लिए अधिक प्रकाश की आवश्यकता पड़ती हुई, और यदि बहुत छोटा होगा तो हमें अस्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। कोई चीज दूर रखी हुई चीजें और पास रखे में भी अंतर होगा, यदि पास रखी चीजें होंगी हम आसानी से उसको पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, जबकि दूर की चीजें अधिक स्पष्ट नहीं होती है। कभी कभी लाइट की वजह से चीजें हमें स्पष्ट नहीं होती है। समय, समय दिन के समय और रात के समय में भी प्रकाश का काफी अंतर होता है, इससे भी वस्तुएं सीधे स्पष्ट नहीं हो पाती है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो हमारे देखने की क्रिया को प्रभावित करते हैं। अब आते हैं हमें प्रकाश की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो ये मुख्य रूप से तीन होते हैं, तीन कारण से हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। पहला आपका, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। बिना प्रकाश के हम किसी भी काम को, यदि रात के समय हम संपन्न नहीं कर सकते हैं, यानी हमें प्रकाश किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो रसोई हो चाहे कहीं और काम करना हो, तो हमें रसोई मतलब प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट,
सुरक्षा के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आपका सुंदरता के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता, यानी सुंदरता लाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। देखिए डेकोरेट करने के लिए जो लाइट प्रयोग करते हैं, याद कर लीजिएगा, काइनेटिक, जो काइनेटिक लाइट होती है, काइनेटिक जो बल्ब होता है, ये सुंदरता लाने के लिए प्रयोग करते हैं। ये इसमें चमक आती है सुंदर बनाने के लिए, किसी चीज को डेकोरेट करने के लिए काइनेटिक का प्रयोग करते हैं। और जब आपकी जो ड्रेरी होता है, ये क्लाउडी प्रभाव देता है, यानी धुंधला होता है, इसको हम सुंदरता के लिए अधिक उपयुक्त नहीं मानते। नेक्स्ट आते हैं प्रकाश के क्या स्रोत होते हैं, कितने प्रकार से हमें स्रोत यानी प्रकाश हमें मिलते हैं। पहला है जलने के द्वारा। इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शब्द ही केवल दे देता है आपको इस तरह से क्वेश्चन में, इसलिए मैंने टॉपिक को लिया है। तो जलने के द्वारा यानी कम्बस्टन, कम्बस्टन का मतलब जब इसमें आपकी लाइट नहीं होती, यानी विद्युत इसमें धारा नहीं प्रवाहित होती, यानी इलेक्ट्रिक लाइट नहीं होती है। जैसे एज ए मोमबत्ती, आपका मिट्टी का तेल का उपयोग करके हम लाइट लेते हैं, आपका तेल या लैंप, मोमबत्ती, गैस लैंप, इनका उपयोग करते हैं हम लाइट के लिए, इनको क्या बोलते हैं, जलने के द्वारा या कम्बस्टन। नेक्स्ट आप कहता है तापदीप्त, तापदीप जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनकैंडिसेंट, क्या बोलते हैं, इनकैंडिसेंट। ये जब हीट होते हैं, गर्म होते हैं, तो हमें ये प्रकाश देते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो प्रकाश के लिए, उसमें टंगस्टन तार लगा होता है, जिसकी वजह से वो जब वो तार गर्म होता है तो हमें लाइट देते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं आपका इसमें, यानी जो तापदीप, यानी जब गर्म होते हैं तरीके से, जो तापदीप में एक प्राकृतिक भी आपको होता है, एक इलेक्ट्रिक होता है। प्राकृतिक में आपका नेचुरल सूर्य की रोशनी होती है, और विद्युत प्रकाश आपका जो टंगस्टन तार लगे होते हैं, जिससे वो जब तार गर्म होते हैं तो हमें लाइट देते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, इनकैंडिसेंट। नेक्स्ट आपको आता है विद्युत डिस्चार्ज स्रोत। देखिए इसमें गैस या वाष्प के द्वारा विद्युत धारा उसमें प्रवाहित की जाती है, क्या, गैस या वाष्प के द्वारा विद्युत धारा उसमें प्रवाहित की जाती है, इसे बोलते हैं विद्युत डिस्चार्ज स्रोत। क्या बोलते हैं, विद्युत डिस्चार्ज स्रोत। ये दो प्रकार के होते हैं, एक फ्लोरोसेंट और एक नियॉन। क्या होता है, एक फ्लोरोसेंट और एक नियॉन। देखिए फ्लोरोसेंट जो आपका अक्सर यूज आता है, जिसको बोलते हैं एलईडी, एलईडी बल्ब का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइटिंग इमिटिंग डायोड लैंप। कभी कभी सर क्वेश्चन का फुल फॉर्म ही पूछ लेता है एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, तो जानते रहिए लाइट इमिटिंग डायोड लैंप होता है। इसमें क्या होता है, इसमें मरकरी भरी होती है, और उस मरकरी के वजह से जो है उसमें लाइट देता है, और इसकी जो लाइट होती है बहुत ही तीव्र होती है, ठंडक प्रदान करने वाली होती है, आंखों को चुभती नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, एलईडी यानी फ्लोरोसेंट। जो आपका विद्युत डिस्चार्ज स्रोत में एक फ्लोरोसेंट होता है, जिसमें एलईडी आपका बल्ब आता है। दूसरा आपका आता है नियॉन, नियॉन का आता है इसकी जो लाइट होती है काफी टिकाऊ होती है, काफी ज्यादा चमक होती है। मोस्टली से जो मूर्तियां आजकल बनाई जाती है उसमें नियॉन लाइट का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे हुए विद्युत डिस्चार्ज स्रोत। अब आते हैं कितने प्रकार की लाइटिंग दी जाती है, कितने प्रकार की लाइटिंग की जाती है। इसमें आपका है प्रत्यक्ष प्रकाश। देखिए प्रत्यक्ष प्रकाश इसको बोलते हैं डायरेक्ट लाइट। अब जो आपका डायरेक्ट लाइट होता है, इसमें क्या है कि जहां पर बल्ब को लगाते हैं, इसमें से जो 90% प्रकाश नीचे की तरफ होता है, और 10% प्रकाश जो है ऊपर की तरफ चला जाता है। यानी पूरा पूरा, यानी जितने प्रकाश होते हैं वो 90% प्रकाश नीचे की तरफ आता है, 10% ऊपर की तरफ जाता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट लाइट। दूसरा आपका आता है इनडायरेक्ट लाइट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इसमें पूरा पूरा प्रकाश नीचे की तरफ होता है, और ऐसी जगह पर होता है जहां पर फोकस्ड होता है, जैसे आपका टेबल लैंप होता है, या जो पढ़ने के लिए लैंप का हम यूज करते हैं, वहां पर ऊपर की तरफ कोई लाइट नहीं जाती है। जहां पर फोकस्ड बुक का होता है वहां पर वो लाइट जलती है। जो आपका सबसे अच्छा आपका आदर्श जो लैंप होता है, टेबल लैंप जिससे पढ़ाई करते हैं, वो हमारे आदर्श लैंप के अंतर्गत आता है। वो हमारा क्या होता है, वो अप्रत्यक्ष प्रकाश होता है। नेक्स्ट आपका आता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी इसमें जो लाइट होती है वो एक समान होती है, वो चारों तरफ की होती है लाइट, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाइट में एक समान लाइट दी जाती है। नेक्स्ट आपका आता है आंशिक प्रत्यक्ष। आंशिक प्रत्यक्ष में क्या होता है, जिनको बोलते हैं सेमी डायरेक्ट। इसमें क्या है, 60% लाइट नीचे की तरफ जाती है और 40% लाइट ऊपर की तरफ होती है, इसको क्या बोलते हैं, सेमी डायरेक्ट लाइट। नेक्स्ट आपका आता है आंशिक अप्रत्यक्ष लाइट। इसमें देखिए, इसमें से लगभग 60 से 90% लाइट ऊपर की तरफ चली जाती है।
क्या है आपका, आंशिक अपटच में 60 से 90% लाइट ऊपर की तरफ चली जाती है और 40 से 10% लाइट केवल नीचे की तरफ आती है। इनको क्या बोलते हैं, आंशिक अप्रत्यक्ष लाइट। अब आते हैं जो क्वेश्चन आपका आया है आपका पिछले जो एग्जाम में, ये क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट लैंप। इसमें से कौन सा है जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली लैंप है, जिसका उपयोग यानी बहुत ही ज्यादा कार्य में अधिक उपयोग करने वाला, कार्य में अधिक कह सकते हैं कुशल कह सकते हैं, मोस्ट इफिशियंट लैंप इसमें से कौन सा होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला कह सकते हैं। तो इसमें आपका हेलोजन, फ्लोरोसेंट, लाइट इमिटिंग डायोड लैंप, सोडियम वेपर लैंप। इसमें आपका जो आंसर सही है वो आपका एलईडी है, यानी लाइट इमिटिंग डायोड लैंप, जिससे ज्यादा प्रभावी है और ज्यादा उपयोग किया जाने वाला है और ठंडक प्रदान करने वाला है और अधिक प्रकाश देने वाला है। तो हमारा मोर एनर्जी एफिशिएंट लैंप कौन सा होता है, एलईडी। तो ये मैंने आपको पूरा चैप्टर यहाँ पर कवर कर दिया इसी क्वेश्चन की वजह से कि आप इसमें से कोई क्वेश्चन आपका आए तो आप उसको कर सको। अब इसमें एक और क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आया है सोडियम वेपर लैम्प। देखिए कुछ हमारे मॉडर्न सोर्स लाइट होते हैं, मॉडर्न सोर्स लाइट और जो यानी आधुनिक रूप से जो लाइट लैम्प बनाए गए हैं, इसमें आपके नाम दिए गए हैं, एक ऑरेंज लैम्प, दूसरा आपका सोडियम एंड वेपर लैम्प, तीसरा आपका है हाई प्रेशर मरकरी लैम्प, हाई प्रेशर मरकरी लैम्प, और चौथा है आपका लो प्रेशर मरकरी लैम्प। तो ये चार प्रकार के मॉडर्न लैंप है। देखिए आपको ये ऑप्शन आ गया है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो तो ये आधुनिक लैंप है, ये हमारे मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट नहीं होते। तो मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट हमारे क्या होता है, एलईडी। तो यहां से आप ये भी याद कर लीजिएगा जो हमारे आधुनिक लैंप बनाए गए हैं। तो ये मेरी वीडियो है जिसको मैंने बताया लाइट अरेंजमेंट। अब आपके वही वही क्वेश्चन क्वेश्चन टॉपिक चलेंगे जो आपके क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि आपके समय बहुत ही कम है और उसके बाद फिर मैं आपको सीरीज शुरू करूंगी। तो लेकिन अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके जो आ चुके हैं उसी को मैं डिटेल करूंगी। और तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट बताइएगा। यदि कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।